बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 288 सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें 288 सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी 4 घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली, जिसके बाद ये पार्टियों की बैठक चली है जिसके बाद सीट शेयरिंग तय की गई है। कांग्रेस ने 100, 105, शिवसेना उद्धव गुट 96 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं एनसीपी शरद पवार की इस पार्टी 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 4 घंटे चली तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक है, जिसमें ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 288 सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय कर दी गई है। कांग्रेस 100 से 105 सीटें पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं शिवसेना उद्धव गुट 96 से 100 सीटों पर लड़ेगी, और वहीं एनसीपी शरद गुट 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। 4 घंटे तक तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच बैठक चली है, जिसमें ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें कांग्रेस 100 से 105 सीट, शिवसेना उद्धव गुट 96 से 100 सीट, तो वहीं एनसीपी शरद गुट 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।